Hello student, how are you? I have making videos for class 3rd, part 2, subject maths, chapter name is large number. So let's get it started. Bachcho, hum padhenge counting on abacus. How we counting on abacus? Abacus mein hum kaise counting karte hain? Here 2, 4. बच्चों पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर्स की. फोर रिप्रेजेंट कर रहा है वंस को, टू रिप्रेजेंट कर रहा है टेंस को, थ्री रिप्रेजेंट कर रहा है हंड्रेड को, और फोर रिप्रेजेंट कर रहा है थाउजेंड को. यहाँ पे फोर में हमें क्या करना है, फोर वंस रिप्रेजेंट कर रहा है फोर को, तो वी हैव टू ड्रॉ फोर सर्किल ऑन इट. हम क्या करेंगे, चार सर्किल बनाएंगे वंस में. टू रिप्रेजेंट कर रहा है टेंस को, तो वी हैव टू ड्रॉ टू सर्कल. थ्री रिप्रेजेंट कर रहा है हंड्रेड को, तो वी हैव टू ड्रॉ थ्री सर्कल. फोर रिप्रेजेंट कर रहा है थाउजेंड को, तो वी हैव टू ड्रॉ फोर सर्कल. यानी कि जो जितना रिप्रेजेंट कर रहा है उतना हमें सर्कल ड्रॉ करना है. यहाँ पे एग्जांपल टू में भी मैंने वैसे ही कुछ किया है. यहाँ पे मैंने नंबर्स लिया है 5, 4, 3, 2. यहाँ पे वंस टू रिप्रेजेंट कर रहा है वंस को, तो वी हैव टू ड्रॉ टू सर्कल. यहाँ पे थ्री रिप्रेजेंट कर रहा है टेंस को, तो वी हैव टू ड्रॉ थ्री सर्कल. सिमिलरली फोर रिप्रेजेंट कर रहा है हंड्रेड को, तो वी हैव टू ड्रॉ फोर सर्कल. एंड थाउजेंड रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइव रिप्रेजेंट कर रहा है थाउजेंड को, सो वी हैव टू ड्रॉ फाइव सर्कल ऑन इट. इसी तरह बच्चों आप आराम से इसको बना सकते हैं. ओके, अब हम बात करेंगे सक्सेसर एंड प्रीडेसर्स. व्हाट इज सक्सेसर? द सक्सेसर एज अ गिवन नंबर इज़ द नंबर जस्ट कम आफ्टर. सक्सेसर वो है जो एक नंबर दिया हुआ है उसके बाद क्या होता है उसको हम बोलते हैं सक्सेसर. एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है टेन. टेन के बाद क्या होगा? जस्ट आफ्टर, मैंने यहाँ पे जस्ट आफ्टर, जस्ट कम आफ्टर मैंने बताया है. तो टेन में अगर हम वन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलेवन. तो हम कह सकते हैं कि 10 का जो सक्सेसर होगा वो होगा 11. इसी तरह यहाँ पे मैंने एक थ्री डिजिट का नंबर लिया है 435. इसका सक्सेसर क्या होगा, तो इसमें भी प्लस वन ऐड करेंगे तो हो जाएगा 436. सो वी कैन से डैट 435 का सक्सेसर होगा 436. अब बात करते हैं प्रीडेसर्स की. द प्रीडेसर एज अ गिवन नंबर जस्ट कम बिफोर इट. वो नंबर जिस उससे पहले क्या होता है उसको हम बोलते हैं प्रीडेसर्स. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया है कि टेन से पहले क्या होगा, जस्ट बिफोर. जो टेन से पहले क्या होगा तो हमको क्या करना होगा, इसके लिए हमें माइनस वन करना होगा. व्हेन वी हैव माइनस वन देन वी गेट नाइन. तो वी कैन से डैट, हम कह सकते हैं कि टेन का जो प्रीडेसर्स होगा वो होगा नाइन. इसी तरह यहाँ पे थ्री डिजिट का एग्जांपल है 435. तो 435 से पहले क्या होगा, इसका प्रीडेसर क्या होगा, तो हम आराम से इसमें वन माइनस वन कर देंगे, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा 434. तो 435 का जो प्रीडेसर होगा वो होगा 434. फाइनली बच्चों आपका ये लार्ज नंबर का चैप्टर ख़त्म हो गया. आप इसको घर पे प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिएगा अपने होमवर्क कॉपी में, और अच्छे से समझ के बनाइएगा. ओके, थैंक यू.